नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हो। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमने कल क्या डिस्कशन किया था। कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर आज बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे चलने लगते तो हमने टोटली अवॉइड करने की बात की थी। रीज़न क्या था? रीज़न सिंपल है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, तो जब तक एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी काम करते रहेगा हमें ऊपर की साइड या नीचे की साइड अच्छी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर साइडवेज मोमेंटम ही देखने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था, इसलिए हमने फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आने पर अवॉइड करने की बात की थी। तो यह हो गया आज की बात। अब चलिए बात करते हैं कल यानी बुधवार के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने किस प्रकार का कैंडल बनाया है, और उसके ऊपर बेसिस करके हम इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे। तो अभी मेरे सामने है बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट। तो हमने कल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर हम आने वाले दिनों के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी तक बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन को कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब इसी ट्रेंड लाइन को होल्डिंग कर रहे हैं, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुली ऊपर के लेवल तक, यानी कहीं ना कहीं 45,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की लेग स्टार्ट हो जाएगा, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी इतने दिनों से कैसे काम कर रहा है, किस प्रकार से प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, किस प्रकार से मार्केट रेंज बनाकर ब्रेक करता है, फ्लैग पैटर्न बनाता है और दूसरे पैटर्न्स बनाते हैं, सभी हम एनालिसिस करके आते हैं, और उसके बाद हम इंट्राडे के लिए एनालिसिस करेंगे। तो हम देख लेते हैं 2023 के मार्च की शुरुआत से। तो मार्च में क्या हुआ, एक सेलिंग के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेटिंग किया, एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाया, और मेनली यहाँ पर कंसोलिडेटिंग करके एक ब्रेकआउट किया और एक ऊपर की लेग स्टार्ट कर दी, और यहाँ पर आकर क्या किया, फिर से यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाया, और यू कैन से यहाँ पर कंसोलिडेटिंग करके फिर से ऊपर की लेग कंटिन्यू किया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद बैंक निफ्टी धीरे 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 ऊपर चलते गया, ऊपर चलते 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 यहाँ पर फिर से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और फिर से ऊपर की लेग स्टार्ट कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे एक मोमेंटम करने के बाद एक नीचे की डिप दिया, और नीचे आकर फिर से कंसोलिडेटिंग किया, और फिर उसके बाद ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया, और ऊपर के साइड यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाया, और इस रेंज का ब्रेकडाउन के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग आया, फिर से यहाँ पर एक रेंज बनाया, और इस रेंज का ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से बैंक निफ्टी में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाया, उसके बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया, और यहाँ पर एक ऐसा भी ट्रेंड लाइन फॉर्म किया था, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद बैंक निफ्टी ने फिर से एक ऊपर की मोमेंटम किया, और ऊपर के लेवल पर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेटिंग किया, और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन किया है। अभी हम बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। अभी इस ब्रेकडाउन के बाद बैंक निफ्टी फिर से कंसोलिडेटिंग कर रहे हैं, तो इस बार अगर इस कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से बैंक निफ्टी इसको ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें नीचे के लेवल 43,500 के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा। वही अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन ना करके अगर यहाँ पर कंसोलिडेटिंग करके ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की साइड, तो हमें इस ब्रेकडाउन का लेवल यानी 45,800 का लेवल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी काम करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस एनालिसिस यानी इस डिस्कशन को हमें किस प्रकार से इंट्राडे स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या समझ आया कि बैंक निफ्टी अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। तो कौन सा है वो रेंज, वो रेंज है 45,000 से लेकर के 44,400 का लेवल। तो इस रेंज के अंदर आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, क्वांटिटी बहुत कम करके ट्रेड करना है। अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10% क्वांटिटी यानी 10 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ पर आप फुल क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें इंट्राडे में किस प्रकार से इंट्राडे में हमें किस प्रकार से काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेंज बना ही लेते हैं ताकि हमें डिस्कशन में ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ पर मैं इस डोजी कैंडल के हाई और लो पॉइंट को मिलाकर एक रेंज बना देता हूँ। अभी मेरे सामने है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी क्लियर कट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस रेंज के अंदर आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो हमें बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ऊपर चलने लगता है एक ऊपर की साइड यहाँ पर यानी 44,700 के ऊपर ही आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो टारगेट है इसका टारगेट भी बहुत छोटा रहेगा, 44,828 का टारगेट, और लगभग लगभग 850 तक आप मान सकते हैं। लेकिन जब इस बड़ी रेंज का ब्रेकआउट होगा यानी 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होगा, मतलब यहाँ पर आके थोड़ी देर एक दो दिन कंसोलिडेटिंग करें
और उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा यानी 45,000 को क्रॉस करेगा, तो आने वाले दिनों में हमें 46,000 या 45,500 तक टारगेट देखने को मिलेगा। अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे चलने लगते हैं और नीचे के लेवल पर कंसोलिडेटिंग करके फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन करते हैं, 44,400 का ब्रेकडाउन करते हैं, तो आने वाले दिनों में हमें 44,000 का भी टारगेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप नीचे और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चार्ट को ताकि समझने में आसानी हो। अभी यहाँ पर आप बैंक नीति पर इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर की साइड, और नीचे की साइड भी एक इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर थोड़ी देर कल फर्स्ट हाफ यानी 12 बजे तक आपको यहाँ पर कंसोलिडेट होने तक वेट करना है। फिर उसके बाद जिस भी साइड यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा आपको एक वन वे शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस ट्रेंड लाइन की बेसिस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ कल के दिन हमें बैंक निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेड करना है। अब सेम वे हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी पर हमें आने वाले दिनों में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद हम इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी का हम थोड़ा सा मोमेंटम को समझते हैं। निफ्टी यहाँ पर क्या किया, धीरे धीरे ऊपर चलने लगा, उसके बाद एक डिप दिया, डिप देने के बाद नीचे कंसोलिडेटिंग किया, फिर ऊपर के साथ एक ब्रेकआउट किया, फिर से यहाँ पर निफ्टी ने कंसोलिडेटिंग करके ऊपर के साथ एक ब्रेकआउट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद निफ्टी धीरे धीरे नीचे आने लगा, ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत साइडवेज होकर नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाया और उसके बाद ऊपर के साथ एक ब्रेकआउट किया। अब निफ्टी में ऊपर के साथ कंसोलिडेटिंग करने के बाद नीचे सेलिंग प्रेशर आया है। अब यहाँ पर निफ्टी फिर से यहाँ पर होल्ड करे, अब निफ्टी यहाँ पर होल्ड करने के बाद जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा वहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ऊपर के साथ ब्रेकआउट करते तो ऊपर के लेवल है 19,750 का लेवल, 19,750 के ऊपर आपको फिर से ऊपर के साइड 20,000 का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर 19,000 अगर 600 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, मतलब इस रेंज का जो लोअर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 19,600 के आसपास है, तो अगर 19,600 का ब्रेकडाउन होता है तो आपको नीचे के साइड एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा जो कि आपको 19,300 के आसपास तक लेके आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कल के दिन हमें इंट्राडे में किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं अभी एक रेंज बना लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें इंट्राडे में किस प्रकार से निफ्टी में काम करना है। तो अभी मैं शिफ्ट करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो अभी मेरे सामने है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो निफ्टी पर भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी इसी रेंज के अंदर थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड करे आपको ज़्यादा क्वांटिटी प्लान नहीं करना है। जब निफ्टी इस लेवल के ऊपर यानी 19,750 के ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको ऊपर की साइड 19,900 और 20,000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। बात करें अगर नीचे की, तो नीचे की साइड 19,600 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर स्विंग लो भी बना हुआ है। तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा नीचे की साइड आपको 19,540 का टारगेट देखने को मिलेगा। आपसे लिए बात करते कल के दिन हमें इंट्राडे में किस प्रकार से काम करना है। तो इंट्राडे के लिए आप एक तो एक लेवल का ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से, इस रेंज की आसपास अगर कंसोलिडेटिंग करते, उसके बाद अगर ऊपर के साथ ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर के साथ आप बाई करके लेके जा सकते हैं, और अगर नीचे के साथ ब्रेकडाउन करते हैं तो आप नीचे के लेवल यानी कंसोलिडेटिंग लेवल का जो लोअर पॉइंट है 19,600 के आसपास तक आप एक पुट लेके जा सकते हैं। अगर कल फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आने लगते और नीचे की लोअर पॉइंट यानी 19,600 को ब्रेक करते तो आपको 19,540 का टारगेट डायरेक्टली देखने को मिलेगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आप सेम स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 19,600 के नीचे, तो आप 19,600 के आसपास एक आपका वेट कीजिए, या यहाँ पर अगर कोई रेंज बनता है उसके बाद रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो ऊपर बाइंग के लिए मैंने आपको क्लियरली लेवल बता दिया है कि बाइंग के लिए हमें किस लेवल का वेट करना है। बाइंग के लिए हमें देखना है 19,750 का लेवल, और सेलिंग के लिए हमें देखना है 19,600 के लेवल। इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल लेंगे, और नीचे के साइड अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो हम पुट लेंगे। अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन निफ्टी 50 पर भी बढ़िया तरीके से बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप निफ्टी 50 में इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाला है, और नीचे के साइड आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं तो आप बाय करके ले सके जा सकते हैं 19,600 का कॉल, और इसका जो टारगेट रहेगा 19,800 तक रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो आप नीचे के साथ 19,550 तक बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए, आप अपने आप कुछ स्टॉक्स ढूंढिए, सर्च ढूंढिए और वहाँ पर एनालिसिस करके देखिए
कि रियली आपके एनालिसिस पर मार्केट काम कर रहा है कि नहीं, जो जो इम्प्रूवमेंट करना है आप कर लीजिए। एंड इस प्रकार से आप निफ्टी फिफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं, और इन द सेम वे आप स्टॉक में भी एनालिसिस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।